कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज ईद स्पेशल में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शीर कौरमे की। आज मैं बहुत ही स्पेशल शीर कौरमा आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। तो चलें देखते हैं चीज़ें हम लोगों को क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम मैंने यहाँ सिवैयाँ ली हैं, ये मैंने पास्ता सिवैयाँ ली हैं, ये देखें ये पास्ता सिवैयाँ मैंने ली हैं बेक पार्लर वालों की। 100 ग्राम हमने छुआरे लिए हैं, यहाँ हमें घी की ज़रूरत है। 100 ग्राम हमारे पास चीनी, 4-5 कुटी हुई सब्ज़ इलायची, 10 से 12 पिस्ते, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम खुश्क दूध, 50 ग्राम कद्दूकश खोपरा और 50 ग्राम बादाम की ज़रूरत पड़ेगी। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन हमने चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ हम घी डाल रहे हैं। घी आप अपने हिसाब से डालडा देसी जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम अपने जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं इन्हें हम घी में फ्राई कर लेते हैं। हमने छुआरे डाले, सारे ड्राई फ्रूट हमने घी में रोस्ट करने हैं। इसमें हम बादाम डालेंगे, 50 ग्राम बादाम है, 10 से 12 पिस्ते, 50 ग्राम खोपरा, कद्दूकश खोपरा, इन सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर बनकर निकलता है ड्राई फ्रूट का। और किशमिश डालती हमने 50 ग्राम और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। ये हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं, फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। फ्राई पैन में हमने घी और डालेंगे, ये सिवैयाँ हम फ्राई करेंगे। ये जो पास्ता सिवैयाँ हमने लिए हैं बहुत ही मज़े का इससे शीर कौरमा बनके तैयार होगा। इससे पहले आप लोगों ने नहीं बनाया होगा ये शीर कौरमा, आप लोग ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त उसकी रेसिपी है, मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये शीर कौरमा बनता है। सिवैयाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध डालेंगे। इलायचियाँ डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे सिवैयों के गलने तक। साथ ही हम इसमें चीनी डाल देते हैं, 50 ग्राम चीनी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। दूध में एक उबाल आ गया है और पहले से मैंने दूध पका के रखा हुआ था, पका हुआ दूध था मेरे पहले से और ये इसमें एक उबाल आ गया है। जो हमने ड्राई फ्रूट अपने फ्राई करे थे वो भी इसमें सारे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है। वीडियो आप मेरी पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी कि किस पॉइंट पे हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सिवैयाँ बन के तैयार हुई हैं। ये और ये देखें कैसा खोया खोया सा आपको नज़र आ रहा है, हालांकि हमने खोए का इस्तेमाल नहीं करा है मगर फिर भी इसमें दूध बहुत अच्छा गाढ़ा दूध होगा तो आपकी सिवैयाँ भी इसी तरीके से अच्छी बनेंगी। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने खुश्क दूध आपको 50 ग्राम बताया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डालेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा शीर कौरमा स्पेशल शीर कौरमा बनके तैयार है और इसका टेक्सचर देखें आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये शीर कौरमा बनकर तैयार होता है। आप लोग इस ईद पर ज़रूर इस शीर कौरमे को बनाएं, मेहमानों के लिए, अपने लिए, घर वालों का और मेहमानों का दिल जीत लें। इसके ऊपर साबुती डालेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई करें। ये मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी दोस्त उनकी रेसिपी है, मुझे पसंद थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।